मुझे इस तरह का आइडिया नहीं है, मैं अपना बता रही हूँ कि सर मुझे ड्यूटी दी गई थी एज एन मेंटल स्टेट ऑफ गोवा जिला। मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की है और मैंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवा चुकी हूँ। एक्चुअली मुझे कॉन्स्टेंट डेथ थ्रेट्स आ रहे थे फ्रॉम मैडम शैला रजा, तो उन उसकी वजह से, और उन्होंने मुझे जो है वो जब मैं इनकी असेसमेंट करने गई थी दुआ जहरा की, तो मुझे इन्होंने जो है वो कुछ पिलाया गया चाय में घोल घोल के, जिसकी वजह से एज एन आई एम एन अप्रूव्ड साइकियाट्रिस्ट FCPS, तो मुझे शक पड़ा कि मेरे चेंजेस हो रहे हैं बिहेवियर में, मैं कैसी कैसी अजीब अजीब बातें कर रही हूँ, अजीब अजीब से मैसेजेस कर रही हूँ। तो मैंने जाके फौरन आखान लेबॉरेटरी गार्डन से मैंने जो है वो अपना यूरिन टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाया, तो उसमें आया है कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि आपको अगर शक हो रहा है कि मैंने कोई झूठी रिपोर्ट प्रिपेयर करवाई है, तो जाके आखान लेबॉरेटरी गार्डन से देख लीजिए कि मैंने रीजन क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बिकॉज आई वॉज इंटॉक्सिकेटेड। ठीक है, अच्छा इसमें बेंजोडिएज़ेपिन्स आई हैं, और बेंजोडिएज़ेपिन्स आप मॉड्सले गाइडलाइंस या दुनिया की कोई भी गाइडलाइंस देख लें कि बेंजोडिएज़ेपिन आपको इरिटेट कर देती है, हाई कर देती है, डिसइनहिबिटेट कर देती है, इतना डिसइनहिबिट कर देती है कि आप मर्दों से भी हाथ मिलाना शुरू कर देते हो। वो सारी रिपोर्ट सब कुछ मैंने अटैच की गई है, मुझे बहुत डेथ थ्रेट्स दिए गए हैं, और मुझे जो है वो इतना ज़्यादा इन्होंने नशा पिला दिया है, तो इस वजह से प्लीज प्लीज बस सर मैं ये सूट किसने दिया सर? ये सूट जो है वो उन्होंने दिया था दुआ जहरा के पेरेंट्स ने कि हम सैयद हैं, तो जब कोई आता है हमारे घर फर्स्ट टाइम तो हम उसको देते हैं, और पैसे भी दिए थे, तो मैंने उस वक्त तो रख लिए थे, सिंस आई कैन नॉट रिफ्यूज किसी के रिलीजियस मैटर को हम रिफ्यूज नहीं कर सकते, तो मैंने रख लिए, और मैंने आज जो है वो कोर्ट में सबमिट करवा दिए, क्योंकि एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या अगर दुनिया में कहीं भी एथिकल है तो मैं जो हूँ वो समेट नहीं, मैं नहीं ले सकती, आई एम सॉरी नाउ प्लीज ऑलरेडी नहीं। प्लीज बंद करें।